हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक एग्जाम स्टडी.com। आज ये मैं पहली वीडियो हिंदी में बनाने जा रहा हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं मैं हूँ कौन। तो पहले बता दूँ कि मैंने MBA किया है PA लुधियाना से। तो उसके बाद मेरे 3 वेंचर्स हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता आप लोगों को। बैंक एग्जाम स्टडी मेरा कोई वेंचर नहीं है, ये मैं आप लोगों की, अपने रीडर्स की हेल्प करने के लिए कर रहा हूँ। ये मेरा एक पर्सनल ब्लॉग है। सो बहुत सारे लोग पूछते हैं भी आप क्या हो, मतलब आप क्या क्वालिफिकेशन, मतलब आप कैसे, आप हमें गाइड कर रहे हो या क्यों कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है। सो बता दूँ, मैंने 2011 में कैट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे 90% थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, और मैंने अपने PA लुधियाना में एडमिशन ली थी। सरकारी कॉलेज में मेरे को लेनी थी क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन ली, स्कॉलरशिप ली मैंने 2 बार। तो वहाँ से फिर मैंने 2012 में दोबारा कैट दिया जस्ट फॉर फन, वहाँ मेरे 97% आए थे। उसके बाद मैंने IBPS 2 था जो वो दिया, तो वो क्रैक किया। उसके बाद मैंने SBI भी क्रैक किया PO, बट ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि पोस्टिंग लोकेशन बहुत दूर की मिली थी और शायद मैं जंक करना भी नहीं चाहता था। तो अगर आप यहाँ लुधियाना से बिलोंग करते हो या पास के एरिया से बिलोंग करते हो तो मैं फ्री में आपको कोचिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ। यस, फ्री। तो 5 या 6 सेशंस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कंप्लीट करवा देता हूँ। मैंने 3-4 लोगों को करवाया भी है अभी तक, ज़्यादा लोगों को नहीं करवा पाया क्योंकि एक एक करके बंदे आते हैं तो उनको करवाना थोड़ा सा मेरे को ऑकवर्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है। मैं स्पेसिफिकली मैं करवाता हूँ यूनिवर्सिटी में, करवाता हूँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे, वहाँ पर बैठ के हम लोग ऐसे ग्रुप बनाते हैं। वहाँ पर मैं कोई पर्टिकुलर टीचर नहीं ऐसे करता, बट हमारा एक ग्रुप होता है। हमारे ग्रुप में एक FCI क्लियर हुआ है बंदे का, 2 लोग IBPS PO क्लियर कर चुके हैं, एक SEBI में भी क्लियर हुआ है। तो एक्चुअली हमारा एक ग्रुप होता है 4 या 5 लोगों का। अभी जो काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं वो जा चुके हैं और मैं बचा हूँ, और मैं अच्छा मेरे से नहीं आता बट अभी मैं ही बचा हूँ, बस सारे लोग जा चुके हैं। अगर आप में से कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा है बैंक एग्ज़ाम्स में या कोई भी रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ाम्स कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स आते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप अगर लुधियाना में हैं तो आप मेरे पास आइए। मेरा ईमेल ID मैंने पीछे लिखा हुआ है, monty.exe@gmail.com। वहाँ से मेरा नंबर मांग सकते हो, और यूनिवर्सिटी में रोज़ इवनिंग मौके पे जाता ही हूँ। तो मैं आपको 5-5, 4-4 घंटे की 3-4 सेटिंग में आपका सारा क्वान्टिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस ख़त्म करा दूंगा, और 1-2 सेटिंग्स में रीजनिंग का ख़त्म हो जाएगा। लोगों को लगता है ये पॉसिबल नहीं है भी, कोई भी बंदा 10-12 दिन में इतना बड़ा ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कैसे कर सकता है। GK का नहीं कर सकता मानता हूँ, इंग्लिश का नहीं हो सकता मानता हूँ, लेकिन रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस ख़त्म हो सकता है, बहुत आराम से ख़त्म हो सकता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं मेरे को गालियाँ देते हैं कि मैं रिमोट चलाता हूँ या कुछ करता हूँ। भाई मैंने प्लेटफॉर्म्स बनाया है, फॉरम बनाया है IBPS टुडे, अभी टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ testpanda.com पे। मेरा मोटिव सिर्फ अपने रीडर्स की हेल्प करना है, और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको हेल्प करना है। और ये थोड़ी बहुत जो एडवर्टाइजमेंट लगाई है उनसे मेरे को मैक्सिमम 10 या 12 हज़ार का इनकम होता है मंथली, इससे ज़्यादा का इनकम नहीं है। और ये जो कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, और ये माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ, और इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, और जो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर $300 का है, इन सबको ख़रीदने के लिए पैसे लगते हैं। और मैं इतना ज़्यादा मिलियनेयर या कुछ ऐसा नहीं हूँ, रिच नहीं हूँ, मेरे भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इस प्लेटफॉर्म को ग्रो करने के लिए, लोगों की और हेल्प करने के लिए मैं थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। और जो टेस्ट सीरीज़ भी मैं लॉन्च करूँगा उसकी प्राइसिंग मैं बहुत कम रखने वाला हूँ, 150 रुपये या समथिंग लाइक दैट। पूरी मार्केट में, पूरे इंडिया में कोई भी बंदा आपको इतने कम में कुछ भी नहीं दे रहा। मैंने देखा है 400, 500, 700 इस रेट में देते हैं लोग, 2-2, 3-3 टेस्ट होते हैं, कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी ब्लॉग्स बना के रखे हुए हैं, नाम नहीं लूँगा मैं अभी। न्यूज़पेपर में से हेडलाइन उठा के एक आर्टिकल बना देते हैं, GK कैप्सूल्स बना देते हैं, पता नहीं क्या करें। चलो वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनकी मर्ज़ी है, अपनी, वो मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है, मैं उनके स्टैंडर्ड का नहीं हूँ भाई, अपना अपना लेवल है। बट अगर आपको मेरी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो मैंने अपने पीछे ट्विटर की ID लिखी है, अपना ईमेल ID लिखा है, और IBPS टुडे में मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ क्योंकि मेरा खुद का फॉरम है तो मेरे को एक्टिव रहना पड़ता है। यहाँ से आप कहीं से भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, परेशानी महसूस हो रही है बैंक एग्जाम्स में, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा।
और मैं किसी भी तरह की कंसल्टेशन या कुछ ऐसी कोई भी फीस नहीं लेता हूँ, मैं जेन्यूनली आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। ये रहा मेरा आईडी वगैरह, पीछे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को लगता है मैं आपके लेवल का नहीं हूँ, या आप लोगों को लगता है मैं उस स्टैंडर्ड का नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग मेरे से बहुत बेटर है, मैं जानता हूँ। कार्ड में अगर मैंने 96-97 लिया तो मेरे से ऊपर 3% लोग थे, लेकिन वो लोग किसी की हेल्प नहीं करना चाहते हैं। अगर करना चाहते होते तो मेरे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ब्लॉग होते हैं। आप देखते हो बैंक एग्जाम्स के जितने भी ब्लॉग हैं, वेबसाइट्स हैं, जीके अपडेट्स डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, कोई ढंग की चीज़ कोई बंदा नहीं डाल रहा। आपके हाथों में, आप डिसाइड करें। अगर आपको किसी भी तरह की मेरी मदद की ज़रूरत है, ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, नंबर मैं अपना ऐसे नहीं डाल सकता क्योंकि लोग बहुत परेशान करते हैं। आपको मेरा नंबर चाहिए तो आप मेरे को मेल करें। आई एम फ्रॉम लुधियाना। ओके बाय। यस आई एम सिंगल। बाय।